तो दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के बाद आप देखिए कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह अभियान चलाएंगे, अलग अलग मुद्दों में विशाल सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कारनामे हैं उनको आप जनता में पहुंचाकर मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार को उखाड़ने के लिए गोलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे। ये छोड़िए, आज इसी की बात करते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि सवा चार महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश कि भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। सर, राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेंगे, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम सब उनकी बात से सहमत हैं। सर, कर्नाटक में 5 गारंटी आपने रखी थी वहाँ पर और उसका बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, जनता से जुड़े मुद्दे, ऐसी क्या कोई गारंटी है मध्य प्रदेश में भी आप रखने जा रहे हैं जनता के लिए? हमने शुरुआत कर दी है, हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे, ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब 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 गोलियां हम साथ थोड़ी ना चलाएंगे। आप कमलनाथ को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव, जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाली है उसे लेकर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उसे लेकर इस पूरे बैठक में मंथन किया गया। बता दें आपको कि बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल थे, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह की जानकारियां दी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और किन किन मुद्दों पर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करेगी।